जर्नी में आए हैं बूटा पत्थर, जो कि गुलमर्ग से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आने के लिए हमें आर्मी और पुलिस दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है और आपको एक लोकल गाइड भी चाहिए होता है। अभी हमारे साथ हैं मोहम्मद यूनुस भाई, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, तो इस जगह के बारे में वो हमें बताएंगे। देखिए मैडम जी, हम ये जगह जो है ना बूटा पत्थरी कहा जाता है। क्यों बूटा पत्थरी क्यों कहा जाता है? ये बूटा पर यहाँ के जो गौर गुजर नगर के नाम से इसको पकारा जाता है। यहाँ के जो साइड में रहते हैं गुजर लोग रहते हैं। अच्छा, ये शिफ्ट हो जाते हैं जब सितंबर अक्टूबर होती है तो नीचे बारामूला में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो मई में ही यहाँ पर शिफ्ट हो आते हैं। अच्छा। इन लोगों का पेशा है गुजर बस्ती की कम्युनिटी के लोग, भेड़ हाँ। बकरी भैंस घोड़े पालना। हाँ हाँ। तो टूरिस्ट लोगों के साथ काम करना। अच्छा, तो इसी नाम से इसको गुजर नगरी कहा जाता है। अच्छा, जैसे आपने देखा अंदर बूटा पत्थरी के आशा तक आपने वो थोड़ी छोटी ढोके भी देखी, या पीछे आपने नागिन वन में, नागिन टू में, नागिन थ्री में देखा आपने। तो नागिन वन अभी हमें जाना है जी, आए ना नागिन वन से अभी जा रहे हैं। हाँ, अभी मतलब हमने देखा नहीं है, अभी देखेंगे। तो उसमें साइड में जो ढोके हैं उसमें गुजर बस्ती रह रही है। गुजर बस्ती। अच्छा, जो एकदम कलरफुल घर बने होते हैं वो गुजरों के हैं। अच्छा, तो ये सदियों से हम यहाँ पर आते हैं। हमारे बाप दादा परदादा सब यहाँ पर आया करते थे। तो इस जगह का नाम जो है, इस जगह का नाम बूटा पत्थरी। तो जो कि यहाँ से नाला गुजरा है उसको बोलते हैं निंगली नाला। ये जो नाला है इसका नाम क्या है? निंगली नाला। तो ये किसी नदी का पार्ट है जी? ये पाकिस्तान के बॉर्डर से, एलओसी से जहाँ एलओसी से ये आता है। एलओसी से आता है। अच्छा, इसका जो ऊपर एक नाला है, झरना है, उसका नाम फ्रोजन लेक के नाम से उसको पुकारा जाता है। अच्छा, वो कितनी दूर होगा यहाँ से? 5 किलोमीटर? 40-50 किलोमीटर। 40-50 किलोमीटर ऊपर टॉप पर। अच्छा, और इस जगह के आगे मतलब सिविलियंस को जाने नहीं देते हैं? नहीं, इसे आगे नहीं। लोग आशा तक जा सकते हैं, चौपान लोग जा सकते हैं, लोकल यहाँ का जा सकते हैं, उससे आगे किसी बंदे को अलाउ नहीं है। क्योंकि बॉर्डर एरिया है और इसके उस साइड में जो बाएं वाली साइड है उसमें पड़ता है सर पूरी साइड, पूरी मुजफ्फराबाद। अच्छा, वो पड़ता है इसके उस साइड। ये बहुत अच्छी जगह है, आपने आप देखा यहाँ के लोकल भी देखे, लोग भी। हाँ, बहुत अच्छा है। कश्मीर में तो वैसे भी हर जगह सुंदर ही है, हर जगह सुंदरता है। आपने देखा यहाँ पे हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे से लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, उनको एजुकेशन पूरा नहीं मिलता है यहाँ। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन नहीं मिलता है क्योंकि हम खाने बदोश लोग भी हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम अमन परस्त लोग हैं, अमन परस्त लोग हैं, अमन के साथ हैं, एजेंडा के साथ हैं, फौज के सहारे यहाँ पर हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम रह रहे हैं। नहीं, सब अच्छा ही है, इतना सुंदर है कश्मीर, लोग इतने अच्छे हैं, तो जन्नत है ये। तो बेशक है जन्नत, भी तो नहीं है। तो यहाँ पर ठंड में कोई नहीं रहता है जी? नहीं, कोई नहीं रहता यहाँ पर ठंड में, कोई नहीं रहता है यहाँ पर। जो ये अपनी फौज है, इंडिया फौज, जो हमारी रखवाली के लिए यहाँ पर बॉर्डर पर बैठी हुई है, बस ये बस वही। हाँ, तो इनके हम शाना बन शाना इनके साथ चलते हैं, ये भी हमारे साथ चलते हैं। बहुत अच्छा, आप उनकी मदद करते हैं? वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए, और बहुत अच्छी सुरक्षा हमारी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो उसको चलिए, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, इसका आपको बहुत धन्यवाद। ये हो गया, ये जो हमारा रोड बन गया। हाँ हाँ, ये बीकन डिपार्टमेंट ग्रिफ की बीकन की तरफ से बना। हाँ, इसके साथ भी हमारे बहुत लोग वास्ता है जिनको रोजगार मिल रही है, बहुत अच्छे तरीके से रोजगार भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। थैंक यू। कश्मीर की जर्नी में आए हैं नागिन वन में, जो कि नागिन घाटी में पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर सा एक विलेज है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ गुलाम कादिर भैया हैं, जो कि इसी गांव में रहते हैं, वो हमें इस जगह के बारे में बताएंगे।
और यहाँ पर जैसा कि पता चला है मुझे कि यहाँ पर शूटिंग हुई थी जिया जिया रे सॉन्ग की, जो कि जब तक है जान मूवी में था। तो भैया आप कुछ बताइए यहाँ के बारे में। हाँ, ये सुंदर जगह है, ये फिल्म के लिए ये सुंदर जगह, पिछले साल भी हुई शूटिंग यहाँ। कौन सी शूटिंग हुई थी पिछले साल? ये जिया जिया के ना, क्या बोल रहे और मतलब ये पहले भी हुई है यहाँ। जिया रे जिया की तो और पहले हुई होगी ना, वो तो बहुत पहले आई थी। वो पहले हुई। अच्छा, पिछले साल हुई है, पता नहीं क्या पिछले साल दूसरी मूवी की शूटिंग हुई। तो यहाँ पे जब शूटिंग हुई थी तो आप लोग भी उस शूटिंग में थे? शूटिंग में थे, है ना, बच्चे भी डांस किए थे? बिल्कुल सब। तो यहाँ के बच्चों को और सबको, उनको लोगों को भी शामिल किया गया था? सब सब। अच्छा, औरतें भी शामिल। तो आप लोग यहाँ पर, ये जो आपके घर है, ये मतलब आप लोग ठंड में चले जाते हो? ठंड, हाँ। और आप क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे बस माल मवेशी। अच्छा, मवेशी यहाँ पे। अच्छा, ये टूरिस्ट प्लेस है, ये बहुत सुंदर जगह है। हाँ, बहुत ही सुंदर। पिछले 50 साल से ये, हाँ, 60 साल से ये मशहूर जगह है। मशहूर जगह है ये, मशहूर। ये नागिन 1 है और बाकी नागिन 2 और 3 भी है। नागिन 2 आगे है, 3 भी आगे। अच्छा, 3 है यहाँ पे और बूटा है। बूटा तो हम होके आए अभी। अच्छा, और कुछ बताना चाहते हैं आप? बस इसमें यही शूटिंग है, टूरिस्ट के लिए है ये, हर एक चीज है। ये सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर जगह है। कुछ बोलने लायक नहीं है, बहुत ही सुंदर है। बोलने लायक ये है कि आम या मवेशी वाले गरीब लोग रहते हैं यहाँ, मजदूरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तक फैले ऊंचे पहाड़, लश ग्रीन फील्ड्स और चीड़ और देवदार के मीडोज, और ये सुंदर से कलर्ड से घर, हैंड पेंटेड, जो कि गुजरों के हैं, इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और इतना सुंदर लैंडस्केप है ये कि बस मन करता है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक ही जाएं और सारे नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लें। यहीं पर रहते हो आप लोग? ये जो घर बने, हनक फनक, और आपका सब स्कूल जाते हो आप लोग? अच्छा, तो दोस्तों अगर कभी आप गुलमर्ग आए तो आप इन जगहों को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। ये जगह गुलमर्ग से बहुत ही पास है और बहुत ही कम लोगों को इन जगहों के बारे में पता है, और इन जगहों पे भीड़ बहुत ही कम होती है, बहुत ही शांति है, और जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जब इधर कभी आइए तो इन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा।